तुम्हारी टीम से बात हुई रोहित? यस मैम। बजट एंड एवरीथिंग? या मैम, वी आर डिस्कसिंग। सी रोहित, मिस्टर बत्रा इज अ रिनाउंड रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द सिटी एंड वी आर लकी दैट ही इज कंसीडरिंग आवर डिजाइन ऑफिस फॉर हिज न्यू एंड प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज रियली लार्ज वन। वी ऑल मस्ट डू आवर बेस्ट। बाय द वे रोहित, हु इज प्रेजेंटिंग आवर डिजाइंस टू मिस्टर बत्रा टुमारो? Ma'am, Khushbu will give the presentation, but now she has left for the day. खुशबू, तू पूरे 8 भटूरे खा चुकी है। तुझे पता है ना कि तुझे खत्म हो गया। बहुत अच्छे थे। I really hope कल ये प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए यार। मिस्टर बत्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट। अच्छा भेज रही हूँ, तू चेक कर लेना। ओके, बाय, गुड नाइट। खुशबू बेटा, अब सो जा। हाँ पापा, बस 5 मिनट। एक्चुअली कल बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है। तुम्हें डॉक्टर ने जल्दी सोने के लिए कहा है ना, नहीं तो तुम्हें पापा, सो रही हूँ। बंद कर दिया, देखो देखो बंद कर दिया। चलो सी, गुड नाइट। गुड नाइट। खुशबू बेटा, चलो अब उठ जाओ। खुशबू, आज ऑफिस नहीं जा रहा है क्या? लगता है उठ गई। खुशबू, नाश्ता तैयार है बेटा? स्लाइड नंबर 6 का फूड नोट। ओके, आई थिंक आई गुड टू गो। ओह शिट, बाय पापा। गुड मॉर्निंग शारजा। गुड मॉर्निंग खुशबू, क्या बात है, प्रेजेंटेशन के लिए एकदम रेडी? बाय द वे, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक्स। आज तो देख रोहित को कैसे इम्प्रेस करती हूँ मैं। अच्छा, और मिस्टर बत्रा, ऐसा सॉलिड प्रेजेंटेशन बनाया ना, जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ और छूटने वाला है।
खुशबू। मुझे भी टैबलेट्स आज ही घर भूल के आनी थी। ये शनाया बिना शनाया नहीं शनिचर है। मीटिंग आज ही रखनी थी इसको। गुड मॉर्निंग खुशबू। गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी विद द प्रेजेंटेशन? लिसन खुशबू, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। मिस्टर बत्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, राइट सर? सो यू बेटर गिव योर बेस्ट। ओके सर। या 2 मिनट्स। आर यू ओके खुशबू? यस सर। यू आर फाइन राइट? Actually, I'll just be back, sir. Just 2 minutes. Where is Khushbu? Oh, I don't know, ma'am. You are the team leader, Rohit. Be a bit responsible. Yes, ma'am. लास्ट प्रोजेक्ट हमारा हेरिटेज थीम पे था, शायद आपने देखा हो। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी आई वाज इन द वॉशरूम, इट वाज अर्जेंट। इट्स ऑल राइट खुशबू, मिस्टर बत्रा इज हियर। हेलो सर। कैन वी क्विकली बिगिन विद द प्रेजेंटेशन? यस मैम, राइट अवे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। So, Mr. Batra, obviously we understand how important this project is for you, and sorry. In the last few days, we've tried to put together unique, and this is what we see the color scheme should be. So while it is exquisite, and your sorry, and your entrance should look like this, but. Sorry, sir. I'm sorry, Mr. Putra. Sorry, ma'am. फैलाती है बदबू। <laughs>
सुबह वॉशरूम यूज करके नहीं आ सकती थी? सॉरी सर, आई डिडंट। शट अप। बेवकूफी की भी हद होती है यार खुशबू। हाँ सर, एक्चुअली मुझे जस्ट डोंट से अ वर्ड। पूरे प्रेजेंटेशन पे पात दिया। नाउ एंजॉय। थैंक यू। और ये तुम्हारी टैबलेट्स, ऑफिस ले जाना भूल गई थी। आज ऑफिस जाना ही भूल जाती तो अच्छा होता। बेटा तुझे एक बात बताऊं? तुम्हारी मम्मी को भी यही प्रॉब्लम थी, पर इससे मुझे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होता। यहां तक कि जब मैं उसको शादी के लिए पहली बार उसके घर देखने गया था तो मेरे सामने ही उसकी फाट निकल गई थी। सब लोग बहुत जोर जोर से हंसे थे। और आपने फिर भी उनसे शादी कर ली? तो क्या हुआ? अच्छा बेटा एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है जिसने आज तक फाट ना किया हो? कोई भी? स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट? बेटा ये तो पेट की गैस है, नेचुरल है, और इसको रोकना अच्छी बात नहीं है। मगर पापा, बाकी सब लोग तो पब्लिक में कंट्रोल कर लेते हैं ना, मेरा तो कभी भी किसी के भी सामने। पर एक बात बताओ, फार्ट को शरीर के अंदर रखना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्या? तू योग कर, समय पर सो, समय पर उठो और बढ़िया हेल्दी खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर भी बेटा, इस समाज से किसी भी तरह की एक्सेप्टेंस की उम्मीद मत रखना। अपनी मम्मी की तरह एकदम फियरलेस बन, बिंदास। तू तो हमारी खुशबू है ना। आई लव यू पापा। लव यू बेटा, लव यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर मैं आज बिल्कुल ठीक नहीं हूं, और मैं शायद तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक मैं खुद को सबके सामने बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेती जैसी मैं एक्चुअली हूं। तो आज बहुत हिम्मत करके मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे फ्लैटुलेंस है। सरल शब्दों में ये एक बीमारी, एक हेल्थ इशू है जिसमें अगर टाइम पे मैं अपनी प्रिस्क्राइब दवाइयाँ ना लूँ तो मेरा कहीं भी किसी के भी सामने किसी भी सिचुएशन में फाट या बाद निकल सकता है। मुझे पता है कि शायद आप में से कुछ लोग ये सुनकर मुझ पर हंसेंगे। आज मेरे ऑफिस कॉलीग्स भी मेरे पर बहुत हंसे। बट सच ये है ना
कि फ्लैटुलेंस एक कॉमन बीमारी है। डायबिटीज या हेडेक या किसी भी और बीमारी की तरह जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। आई एम अवेयर कि ऐसी फाउल स्मेल कहीं भी विदाउट वार्निंग फैला देना गलत बात है, पर बॉडी में डेंजरस गैस को रोक के रखना भी तो सही नहीं है ना। मैं ये लाइव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि हम एक ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज की डेट में LGBT, ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल्स को एक्सेप्ट करते हैं। हम HIV/AIDS, अबॉर्शन जैसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बट मेरी बीमारी के बारे में कोई बात नहीं करता। फ्लैटुलेंस बस पेट की गैस है, लेकिन इससे ऐसे टैबूज जुड़े हैं जैसे पेट की गैस निकलना मानो किसी के कॉन्फिडेंस की हवा निकलना। मेरी आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पब्लिकली फार्ट करे या उनके पेट की गैस निकल जाए तो आप उनका मजाक मत उड़ाइए, उन पे हंसिए मत, उन्हें एम्बैरेस तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता पर वो अपने अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड यू जस्ट मेक देयर स्ट्रगल वर्स। रोहित, आप मेरे बॉस हैं, आप सब सही करते हैं, आप हैंडसम हैं, आपकी हर बात ठीक होती है, आप काम सब टाइम पे करते हैं, लेकिन प्लीज बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्टली मिस्टर बत्रा, आई एम रियली सॉरी कि आज मेरी वजह से आपका सारा प्रेजेंटेशन खराब हो गया। बट सर, अगर आप एक बार भी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो मैं आपको अश्योर करती हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको बेस्ट सॉल्यूशंस देगी। सर, एक बार हो सके तो हमें दोबारा चांस दे दीजिएगा। एंड दैट्स द लास्ट स्लाइड सर, होप यू लाइक आवर प्रपोजल, थैंक यू वेरी मच। I must say, Sanaya, you have an amazing team. And Khushbu, hats off to your courage. Insta पर live आकर इतनी बड़ी बात सबके सामने accept करना, not a small thing. Thank you, sir. Thanks, Mr. Batra. My pleasure. I'll see you.